बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो अपना ब्लॉग टीवी और मैं हूं नबी बख्श। तो उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजल और करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो व्यूवर्स, मैं जो है इस वक्त आम के बाग में मौजूद हूं और ये बाग 100 एकड़ में बाग है और इस बाग में आपको हर नस्ल की हैं तो कोई बड़े हैं लेकिन आम इसमें बहुत होते हैं। जब आम होते हैं तो मैंने इनको देखा है, इन जो पेड़ों को मैंने देखा है, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो उसमें कोई छोटा छोटा पेड़ है तो कोई जो है बड़ा पेड़ है। इसी हिसाब से अभी इस पेड़ को भी आप देख लो और ये पेड़ जो है थोड़ा सा उससे लंबा है। आम की मौसम आती है तो इस बाग में घूमने का कुछ मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि जो एक पाड़, उन लोगों का कहना है कि एक पाड़ 10 से 12 मण जो है आम देता है हर एक पाड़। इसमें 100 एकड़ में ये जो है बाग मौजूद है। मेरे ख़्याल में तो पेड़ अगर हम गिनती करेंगे तो पता नहीं कितने होंगे। सुल्तान, क्या आज मज़ा आपको आया या नहीं? हाँ, बहुत मज़ा आया यार। ये बाग अक्सर करके इतना ज़्यादा लंबा है, इसमें घूमने के लिए टाइम होना चाहिए। हमारे पास उतना टाइम नहीं है लेकिन घूमने के लिए बहुत टाइम होना चाहिए। हमारे पास तो कोई टाइम नहीं है। इंशाल्लाह ताला अगली बार जब आएंगे तो हमारे व्यूवर्स को पूरा दिखाएंगे। इंशाल्लाह दोस्तों, अगली बार जब हम इधर बाग पर आएँगे, जब इस बाग में आम भी होंगे तो हम आपको इस बाग का मुकम्मल जायज़ा करवाएँगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑल कर देना। अल्लाह हाफिज़।